समझना ये दर्शाता है कि आमद होने वाली है। हमारे मुताजी उनका काफिला पहुंच चुका, गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। हमारे मुताज केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, खुशामदी। This was Presenter P. Srinivas, IPS, born in the year police services after completing his doctorate in the industrial relations. केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी हमारे घर में तशरीफ लाए हैं, हम सबको अपना आशीर्वाद देने प्राप्त हुआ। Shri Manoj Sinha is the second Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, a personality from Uttar Pradesh. ADGP Dr. Ajit Singh, IPS. Unke theek piche is khoobsurat parade ke commander, Assistant Director, Fire and Emergency Services, Aqib Hussain Mir, aur muayane ki gaadi JK02BE4719 आगे रुकी। उन्होंने हमारे बाकी फोर्सेस के जवानों ने अपने जीवन का बलिदान किया, अपनी कुर्बानी दी, घर परिवार के लोगों ने अपने प्यारे बच्चों को खोया। मानव जीवन और मानवाधिकारों के खिलाफ इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत से, विश्वास और संकल्प से हम सब मिल करके इसका मुकाबला करेंगे, और जो भी इसे बढ़ावा देने में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता का भी अधिकतम विश्वास हासिल करना है, और मैं जानता हूँ हमारी फोर्सेस के लोग इस पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आजकल नई जनरेशन वारफेयर यानी सोशल मीडिया कुछ लोगों के हाथों में बड़ा पोटेंट भी बन चुका है। कई सारे ग्रुप्स राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टेड है और जम्मू कश्मीर यूटी में शांति भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस पर भी पैनी नजर रखने की आवश्यकता है, और मुझे पता है कि हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और बाकी फोर्सेस इस पर पूरी तरह से चौकन्ने हैं और काम भी कर रहे हैं। मैं सभी फायर फाइटर कैडेट से कहना चाहता हूँ कि आपका जो स्लोगन है वी सर्व टू सेव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है, और आने वाले दिनों में कम से कम 5 ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहाँ ये आपको रास्ता दिखाएगा। पहला लोगों की जिंदगी बचाना, दूसरा फायर या किसी इमरजेंसी घटना को नियंत्रित करना ताकि वो भयावह न हो जाए, तीसरा
लोगों के जीवन भर की संपत्ति, कमाई, प्रॉपर्टी की रक्षा करना, चौथा हमारी प्राकृतिक और औद्योगिक संपदा को नुकसान न पहुंचे उसे बचाना, और पांचवा आम लोगों को, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों या घर में रहने वाले लोग हों, उन्हें फायर सेफ्टी के बारे में लगातार जागरूक करना। मैंने पहले कहा अब आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कल से आप कैडेट नहीं बल्कि हीरो होने वाले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है उधमपुर ट्रेनिंग एकेडमी में मिले प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाने में समर्थ होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ जो भी अतिथिगण आए हैं इस समारोह में उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अंत में, अभी उम्मीद है जिंदा, अभी इम्कान बाकी है बुलंदी पर पहुंचने का, अभी अरमान बाकी है। आप सभी को फिर से एक बार बधाई, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।